सुखदेव ऋषि थट्टा लाव लश्कर हरियाणा संघ मंडी शिवरात्रि मेले के लिए हुए रवाना। 18 फरवरी से मंडी शहर में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का आयोजन किया जा रहा है। 17 फरवरी को बड़ा देव गमरुनाग, सुखदेव ऋषि डगांडो, सुखदेव ऋषि थट्टा, देवी बगलामुखी पंडो, राजमाता बुढ़ी भैरवा पंडो, देव बूटा विंगल जी, राजमाधव किस्मक्स हाजरी भरेंगे तथा उपायुक्त मंडी सभी देवी देवताओं का स्वागत करेंगे। जानकारी देते हुए सुखदेव ऋषि मंदिर कमेटी के प्रधान और सर्व देवता कमेटी के उपाध्यक्ष मोहनलाल ठाकुर ने बताया है कि सुखदेव ऋषि थट्टा शिवरात्रि मेले में तीसरा स्थान रखते हैं और आज सुखदेव ऋषि थट्टा अपने हरियाणा संघ मंडी शिवरात्रि के लिए अपनी कोठी थट्टा से रवाना हुए हैं। देवता जी शिवावतार 9 मील होते हुए आज मंडी अपनी कोठी में विराजमान होंगे। वहीं कल पटल मैदान में राजमाधव की छठ देवता का स्वागत करेगी, तदोपरांत देवता राजमाधव के समक्ष हाजिरी भरेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2023 के लिए महर्षि सुखदेव जी आज अपने मूल स्थान गांव थट्टा इलाका बदार से मंडी के लिए रवाना हो चुके हैं। महर्षि सुखदेव जी लगभग 7 दिनों तक मंडी में अपनी भव्य कोठी में 7 दिन तक जो है अपने भक्तों को दर्शन देंगे। गौरतलब है कि महर्षि सुखदेव जी जो हमारे महर्षि पराशर जी हैं, हमारे 3 इलाके के इलाका बदार, इलाका उत्तरशार, इलाका शनोर के हमारे देवताओं की राजधानी पराशर है और पराशर ऋषि की भी अपनी एक कमेटी है और उस कमेटी में महर्षि पराशर जी राजा हैं और महर्षि सुखदेव जी वजीर हैं। तो महर्षि पराशर जी हमारे मंडी राज परिवार के कुलदेवता है और राज परिवार के साथ महर्षि सुखदेव जी और महर्षि पराशर जी का विशेष लगाव रहा है और समय समय पर बहुत सारे सैकड़ों वर्ष पहले भी शिवरात्रि में लगातार ये देवता आते रहते हैं। मंडी की रानी किरण कुमारी जी महर्षि सुखदेव जी के मंदिर गांव थट्टा में नंगे पांव वहां दर्शन करने के लिए आती थी और उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर उन्होंने महर्षि सुखदेव जी को राजमहल परिसर के समीप ही एक जमीन उपहार में दी है और जिसमें लगभग 3 मंजिला कोठी का, भव्य कोठी का निर्माण महर्षि सुखदेव जी के सभी हरियाणों ने मिलकर के किया है। और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए मंडी वासियों को और हिमाचल वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं पेश करता हूँ। नमस्कार।